Hey guys, welcome back to my YouTube channel Smile with Pallavi. कैसे हो आप सब? तो guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ another food challenge. ये तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ another food challenge और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है. I don't think so किसी ने किया होगा YouTube पे. ये मेरा एक बहुत ही यूनिक चैलेंज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आई एम श्योर आप समझ गए होंगे टाइटल देख के. स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ I ate only rusk for 24 hours. और रस्क मैं सिंपल नहीं खाऊंगी, उसको अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज में खाऊंगी. कैसे खाती हूँ, क्या करती हूँ, किस तरीके से उसको और अच्छा बनाती हूँ, क्या क्रिएटिविटी उसमें यूज करती हूँ, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में. और आप अगर जिस तरीके से मैं ट्राई करूंगी उस तरीके से अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर खाने को मिलेगा. तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो. लेट्स गेट स्टार्ट. तो गाइस मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये टोस्ट का रस्क है ये. और आई एम श्योर बहुत सारे लोग रस्क पसंद करते हैं, ये टी टाइम पे लिया जाता है, टी टाइम पे खाया जाता है इस रस्क को. और ये बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची होता है. तो ये रस्क मैं यूज करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके का है ये रस्क. तो इसी को मैं आज खाने वाली हूँ 24 आवर्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दो रस्क और हर्षी ले रही हूँ. तो गाइस मुझे हर्षी बहुत पसंद है तो यहाँ पे मैं हर्षी ले रही हूँ. और जो है मैं क्या करूँगी, रस्क के ऊपर हर्षी को जो है इस तरीके से डालूँगी जिससे कि जो रस्क है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक उसका टेक्सचर आ जाए हर्षी के थ्रू. और जो है जो मेरा रस्क है देखने में बहुत ही यम्मी लगे सच में. तो इस तरीके से आप भी गाइस ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से हर्षी एंड रस्क खाने का मन है. गाइस ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. तो जैसा कि अभी आपने देखा मैं ये हर्षी रस्क खाने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहा है मुझे. और सच बताओ गाइस ट्रस्ट मी मैंने कभी भी लाइफ में ट्राई नहीं किया है. आई एम श्योर शायद ही कोई करता होगा रस्क के ऊपर हर्षी. बट मेरे माइंड में आया, मैंने सोचा क्या क्या किया जा सकता है रस्क के साथ. तो फिर मैंने सोचा कि चलो हर्षी इसमें ऐड करते हैं. एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, सच बता रहे आपको बहुत अच्छा लगेगा. और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कब ट्राई किया था. वाओ सी कितना यम लग रहा है देखने में, खाने में बहुत यम लग रहा है. आप लोगों में से बताना किसको किसको हर्षी बहुत पसंद है और वो ऐसे करके लिख करता है. मुझे बहुत पसंद है हर्षी गाइस. और रस के साथ हर्षी खाने में मजा आ गया. ट्रस्ट मी गाइस आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. और हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम, मतलब मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट और 10 बज रहे हैं. तो मैं आपसे मिलती हूँ लंच टाइम पे. और मैं बहुत ही क्रिएटिव सा रस्क बनाने को मैंने सोचा है. तो मैं स्नैक्स के लिए मैंने बहुत सोचा फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया. मैंने लिया हुआ है 4 रस्क, उसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चीज़. तो गाइस चीज़ अवेलेबल होती है हमारे घरों में इजीली. इसके बाद ये जो पिज़्ज़ा आता है ना उसका ऑर्गेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स उसको डाल रही हूँ मैं, स्प्रिंकल कर रही हूँ अपने चीज़ के ऊपर. गाइस बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है. और यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑर्गेनो स्प्रिंकल करने के बाद. और इसके बाद जो है मैं सारे चीज़ को मतलब रस्क को ले करके जो है ओवन में डाल दूँगी और 2 मिनट का टाइमर लगा दूँगी यहाँ पे. तो गाइस अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ओवन है तो ठीक है, अदरवाइज़ पहले तो मैं गैस पे करती थी तो आप गैस पे भी कर सकते हैं. जस्ट आपको तवा पे रखना है जो नॉनस्टिक होता है पैन, उस पे रख के और ऊपर से जो है आपको किसी प्लेट से ढक देना है, चीज़ अपने आप मेल्ट हो जाती है. तो अभी मेरे पास ओवन आया है, इसके पहले मैं ऐसे ही करती थी. तो गाइस ये
ये देखिए, ये है जो मैंने आपके सामने बनाया है अपने लंच टाइम के लिए, और ये है चीज जो मेरी पर्सनली फेवरेट है। कभी आपको पिज्जा खाने का मन करे और आप पिज्जा नहीं बनाना चाहते हो, या फिर आपको पिज्जा प्रॉपर बनाना नहीं आता है, ट्राई दिस वन, ऑसम है। बहुत ऑसम था गाइस, बहुत ऑसम था। तो अगर आपको कभी पिज्जा बनाने का मन है, नहीं है, पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होती है, बट हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कौन इतना जाके बनाए और बाहर से मंगा नहीं सकते। गाइस ये वाला हैक जो मैंने अभी ट्राई किया है ना, आप जरूर ट्राई कीजिए गाइस, बहुत अच्छा है, आपको एकदम पिज्जा से फीलिंग आएगी। हाँ, अगर आप चाहते थोड़े बहुत टॉपिंग्स भी उसमें कर सकते हैं, वो भी उसमें मेल्ट हो जाएगा चीज़ के बीच में, जो कि बिल्कुल आपको पिज्जा जैसी फीलिंग आएगी। और आप चाहे तो ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये टास्क था, ये था रस्क का, इसलिए मैंने रस्क यूज किया, अदरवाइज मैं ऑलवेज ब्रेड में भी बनाती हूँ क्योंकि अभी तो बाहर से हम पिज्जा वगैरह खाने चलते रहे। तो चलिए, यम्मी सा लंच हो गया है और अब मैं जा रही हूँ कुछ काम करूंगी, उसके बाद जो है स्नैक्स का टाइम है। चलिए मिलते हैं आपसे स्नैक्स टाइम, बाय। तो गाइस बहुत ज़्यादा स्नैक्स क्या होता है ना कि हम बहुत ही थोड़ा करते हैं, तो ये है अमूल का बटर और मैं यहाँ पे जो है स्नैक्स के मतलब रस के ऊपर बटर स्प्रेड करूँगी। और गाइस मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरीके का किया है कुछ, गाइस सच में जैसे टोस्ट ब्रेड होती है ना उस तरीके से लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आप कभी ट्राई जरूर कीजिएगा इस तरीके से बटर को लगा के रस के ऊपर। वाओ, तो गाइस नेक्स्ट टाइम हो चुका है और मैं नेक्स्ट टाइम पे जो मैंने अभी शेयर किया आपसे कि मैंने क्या किया है, मैं वही खाने जा रही हूँ। ये है मेरा रस्क एंड बटर। आपने ब्रेड बटर खाया होगा बट रस्क एंड बटर कभी खाया नहीं, खाया ना, मैंने भी नहीं खाया था, बट आज ट्राई करते हैं। और मेरा मेकअप वैसा का वैसा ही है क्योंकि मैं लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करती हूँ। तो मैं जब आपसे शेयर करती हूँ गाइस ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, इट मीन्स वो मेकअप प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। और आप देख सकते हैं गाइस मेरी फेस पे शाम हो चुकी है और मेरे फेस पे मेकअप एज इट इज, जस्ट मैंने लिप बाम टचअप किया, दैट्स इट। तो चलिए खाते हैं, मैं दो एक साथ नहीं खा पाऊंगी, मेरा मुंह तबाह नहीं है। तो इसके लिए मैंने डिनर के लिए लिया है 4 रस्क और इसके ऊपर जो है मैं केचप स्प्रेड करूँगी क्योंकि मैं हूँ केचप लवर, आई एम अ केचप लवर। तो जो केचप लवर उनके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ट्रिक है जिससे वो रस्क भी खा सकते हैं, केचप के रस के ऊपर केचप डाल। और आई एम लविंग माई मेकअप, मैंने टचअप भी नहीं किया है, मैंने लिप बाम भी नहीं अप्लाई किया है, जस्ट मैं सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ इसी अवतार में। तो और आप देख सकते हो गाइस मैंने लैक्मे आइकॉनिक का काजल अप्लाई किया था और गाइस काजल अभी तक एज इट इज है ना, इसलिए मुझे लैक्मे और मेबेलिन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। यार मैंने ना हर वीडियो में मेकअप, स्किन केयर ये सब जरूर आता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए डिनर का टाइम हो गया है और मैंने आपको दिखाया कि मैं कितनी अच्छी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो ये है, वाओ, ये पता है केचप लवर्स के लिए है जिनको केचप बहुत पसंद है। मैं ऐसे करके जूम दिखा देती हूँ चारों तरफ से। OMG, सीरियसली, इट्स सो यम। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको केचप बहुत पसंद है, जैसे कि मैं हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको केचप बहुत पसंद होगा। तो मैं खाने जा रही हूँ ये वाला रस्क।
आप सोच रहे हो मैं डिनर में केचप क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है केचप। मैं केचप किसी भी टाइम खा सकती हूँ। मुझे आधी रात को ही बोलो केचप खाना, मैं खा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं चैलेंज नहीं करती आप लोगों के लिए, तो मैं इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाती, जो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिसिंग में आते हैं मेरी लाइफ में। मज़ा तो आता है, नो डाउट। चैलेंज नहीं करती आप लोगों के लिए, तो मैं इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाती, जो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिसिंग में आती है। इसको खा के मुझे यहाँ से बहुत सारी सब्जी मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा बहुत मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जो है मैं ये चैलेंज मैंने पूरा कर लिया है। और जो है गाइस, जो चीज़ मैंने आपको साथ शेयर की है कि कौन को किस किस तरीके से आप रस को खा सकते हो, ट्रस्ट में गाइस आप उसको ट्राई जरूर करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ। मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आप न्यू चैलेंज क्या देखना चाहते हैं।